अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड आई होप कि आपने अपना जो प्रीवियस लेसन है वो अच्छे से लर्न किया होगा. स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस द फर्स्ट सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 6. टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन 7 to 12. सेवन्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्कैटर लाइट एंड व्हाई. रीजन भी पूछी है, आपने पहले बताना है कि शुगर सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर करेगा या नहीं, और उसकी रीजन भी बतानी है. शुगर सॉल्यूशन किसकी एग्जांपल है? ट्रू सॉल्यूशन की. ट्रू सॉल्यूशन टिंडॉल इफेक्ट को शो नहीं करता, मींस वो क्या है, लाइट को स्कैटर नहीं करेगा. तो आप क्या कहोगे? नो, द शुगर सॉल्यूशन विल नॉट स्कैटर लाइट. रीजन क्या है? बिकॉज द सोल्यूट पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट स्कैटर लाइट. क्योंकि जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने ज्यादा स्मॉल हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते. सोप सॉल्यूशन किसकी एग्जांपल थी? कोलाइड्स की. यस, सोप सॉल्यूशन विल स्कैटर लाइट बिकॉज इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसकी एग्जाम्पल थी? सस्पेंशन की. नो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विल नॉट स्कैटर लाइट बिकॉज द पार्टिकल्स आर टू बिग that they can block the light. Eighth question है, what do you mean like dissolves like? Explain with examples. ठीक है, इसका आंसर आप पेज नंबर 104 पे देखें. यहां से solubility, ठीक है, general principle जो आपने पढ़ा था solubility का, इसमें आप ये तीन points को short form में explain कर दोगे. ठीक है, like dissolves like का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ionic और polar substances हैं they are soluble in water, in polar solvents. The non-polar substances are, they are not soluble in polar solvents and non-polar covalent substances are soluble in non-polar solvents. और साथ में आप उसकी एक एक example भी mention कर देंगे. ठीक हो गया. Question number जो 8 है उसका answer है page number 104 पे. How does nature of attractive forces of solute and solvent affect the solubility? Page number 105 पे इसका answer आप करेंगे. यहां से देखें, ये जो यहां पे है पैराग्राफ, यहां से आप करोगे सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट. यहां तक करने के बाद जो आपको पॉइंट्स बताए थे दो, यहां से फॉर्म तक करोगे कि अगर न्यू फोर्सेज बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओवरकम कर लेती हैं सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्सेज को तो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी. अगर सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं देन सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस तो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं होगी. ठीक हो गया. नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को. हाउ कैन यू एक्सप्लेन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन टू प्रिपेयर अ NaCl सॉल्यूशन. ठीक है, इसका आंसर भी आप पेज नंबर 105 पे देखें. डिसोल्यूशन ऑफ NaCl का पढ़ा था हमने. स्टार्ट से ही आप करोगे व्हेन NaCl इज एडेड इन वाटर. जब उसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो रेडिली डिसॉल्व होता है क्योंकि जो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है बिटवीन द आयंस ऑफ NaCl एंड वाटर मॉलिक्यूल्स में वो इतना स्ट्रांग होता है कि जो सोडियम और क्लोराइड आयंस के दरमियान में फोर्सेस हैं वो ब्रेक कर देती है. सो व्हेन NaCl से लेकर आप इन सॉलिड NaCl क्रिस्टल तक इसका आंसर लिखोगे. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई विद एन एग्जांपल दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. के एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है. इसका आंसर आप करोगे पेज नंबर 106 पे. ये वाला पॉइंट, हीट इज एब्जॉर्ब. बस आप इतना लिखोगे व्हेन KNO3 इज डिसॉल्व द सॉल्युबिलिटी यूजुअली इंक्रीजेस. ठीक है, सिर्फ आपने इतना मेंशन करना है कि व्हेन KNO3 या KCl डिसॉल्व किए जाते हैं वाटर में तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है. फिर यहां से लेकर यहां तक आप इसका आंसर मेंशन कर दोगे. ठीक हो गया. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज से क्या है? 101 पे है इसका आंसर, ये जो आपने पढ़ा था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ठीक हो गया, इसमें आप ये सारा लिखोगे, डेफिनेशन एग्जांपल और साथ में इसका फॉर्मूला मेंशन कर दोगे. फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बुक से बता दिए हैं इनके आंसर्स. आप चाहें तो यहाँ से कर लें, आप यूनिक नोट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं. इसके बाद हमने देखना है, इन प्रीवियस लेक्चर वी सॉल्व द फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स ऑफ द एक्सरसाइज. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग 3 न्यूमेरिकल्स. स्टूडेंट्स, जैसे आपको बताया था मैंने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, फर्स्ट आपने लिखना है गिवन डाटा, फिर जो भी आपने फाइंड करना है
टू फाइंड की हेडिंग दे के वो लिखेगा और उसके बाद उसका सोल्यूशन। बाकी जो जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे आपने इसी मेथड से उनको सॉल्व करना है। अगर फोर्थ न्यूमेरिकल देखें, व्हेन वी डिसॉल्व 20 ग्राम्स, हमारे पास क्या है, मैस है सोल्यूट का इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम भी गिवन है जिसको हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। वॉट विल बी इट्स मोलैरिटी, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी, ये आप देख लें। आप लोगों के पास यूनिक नोट्स अवेलेबल हैं, जो मेथड आपको बताया है आपने उसी तरह करना है। गिवन डाटा आपके पास क्या है, NaCl का मास गिवन है 20 ग्राम्स, वॉल्यूम था 400 सेंटीमीटर क्यूब जिसको हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। मोलर मास आप कैसे फाइंड करोगे, मोलर मास ऑफ Na जो होता है 23, मोलर मास ऑफ क्लोरीन 35.5, इसको प्लस करेंगे आपके पास आ गया मोलर मास। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करोगे, वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगेन आप लोगों ने इसमें से मास फाइंड करना है। मोलैरिटी आपको गिवन है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन था जिसको आपने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। मोलर मास MgCl2 का, मैग्नीशियम का मोलर मास लिखोगे प्लस क्लोरीन के दो आइटम से 2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ क्लोरीन 35.5, आपके पास मोलर मास आ गया। मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करोगे क्योंकि आपने मास फाइंड करना है, मोलैरिटी भी गिवन है, मोलर मास भी, वॉल्यूम भी, तो आप मास को फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, इस तरह से आप करेंगे तो आपके पास मास आ जाएगा। लास्ट जो न्यूमेरिकल है, 12 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज अवेलेबल इन दी लेबोरेटरी, वी नीड ओनली 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, हाउ विल इट बी प्रिपेयर्ड। अब आपके पास दो मोलैरिटीज गिवन है, इसका मतलब आप कौन सा मेथड इसमें यूज करोगे, जो आपने डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के टॉपिक में पढ़ा था कंपैरिजन वाला, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब 12 मोलर और 0.1 मोलर में कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है, 12 मोलर का, इट मींस 12 मोलर क्या हो गया, M1, ये हो गया M2, V2 भी हमारे पास गिवन है, M2 और V2 भी हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, V1, ठीक है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, लास्ट में आपने ये लाइंस भी मेंशन करनी है कि हम क्या करेंगे, वी विल टेक 4.16 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड पिपेट की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतने वॉल्यूम का सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे एक ग्रेजुएटेड पिपेट की मदद से, उसको मायनिंग फ्लास्क में डालेंगे, कितनी होगी उसका 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की, और वाटर को अप टू दी मार्क उसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर।